हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हो फ्रॉस्ट साइबेरियन हस्की। और आज का वीडियो इज ऑल अबाउट फ्रॉस्ट एंड इट्स डे टू डे एक्टिविटीज। सो आज के वीडियो में आप देखने वाले फ्रॉस्ट के मॉर्निंग से लेके सोने तक का प्लान, वो सारे दिन में क्या क्या कर रहा है। तो सुबह के 7 बज चुके हैं, अब वो उठ चुके हैं और वो मुझे उठाने की कोशिश कर रहा है, जो कि वो नाकाम होने वाला या कामयाब, लेट चेक आउट। तो फ्रॉस्ट इज वेरी ईगर टू गो आउट, बहुत ही एक्टिव है। तो मॉर्निंग वॉक पर जाना है तो हर कोशिश कर रहा है मुझे उठाने के लिए, और वो सक्सेसफुल भी हो चुका है अपनी कोशिश में और मैं उठ चुका हूँ। तो अब हम चलेंगे फ्रॉस्ट को घुमाने के लिए। घुमाने के लिए सबसे पहले चप्पल की जरूरत है, चप्पल पहनेंगे, फिर हम चलेंगे ताज़ी हवा की ओर। पहले तो मॉर्निंग एयर लेंगे और थोड़ा सा व्यू चेक करेंगे कि बाहर का क्या हाल चल रहा है। चलो मुंह धो लेते, कपड़े भी चेंज कर लिए, अब चलेंगे फ्रॉस्ट को लेकर बाहर। तो बाहर जाने से पहले हम उसे हार्नेस लगा देंगे ताकि वो भागे ना, क्योंकि जब उसे हम बाहर ले जाते हैं काफी डिफिकल्ट हो जाता है। वो इज अ टोटली डिफरेंट पर्सनालिटी, ही बिकम्स वाइल्ड, जंगली हो जाता पूरा। उसे यहाँ भागना है, वहाँ भागना है, ये पकड़ना है, वो पकड़ना है, तो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। सो इसे हार्नेस की बहुत जरूरत है और लीश की, ताकि वो कंट्रोल में हो सके। चले नीचे चलते हैं बिल्डिंग के। गाइस, अब हम बिल्डिंग के नीचे पहुंच चुके हैं और हम चलेंगे फ्रॉस्ट को बाहर लेकर। ओए क्या कर रहा है इसने, तो बिल्डिंग के बाहर आते ही मूत्र विसर्जन कर दिया है, जिससे हमें बड़ी दिक्कत होने वाली है। जब इस सोसाइटी वाले देखेंगे इस वीडियो को तो कोई ना कोई जरूर कंप्लेन करने आएगा, हम तो वीडियो बनाएंगे। तो हम पहुंच चुके हैं बाहर के एरिया में, जो बैक साइड है हमारे बिल्डिंग की। ये बेसिकली जगह है जहाँ पर हम फ्रॉस्ट घुमाते हैं। अब बज रहे हैं 12 दोपहर के और हो गया फ्रॉस्ट के लंच का टाइम। तो हम लंच में आज हमने राइस, थोड़ा सा डॉग फूड और थोड़ा सा टॉपिंग के लिए हम ड्राई प्रॉन्स यूज करने वाले, तो उसका फ्लेवर एनहांस हो जाए और वो एंजॉय कर सके। तो देखो हो गया हमारे फ्रॉस्ट का खाना रेडी। इसमें हमने डाला राइस, डॉग फूड। डॉग फूड में यूज करता हूँ इस स्मार्ट हार्ट पपीज। तो चलिए हम हमारे फ्रॉस्ट को खिलाते हैं ज्यादा देर ना करते हुए। चलिए आइए। थैंक यू। तो अब बज रहे हैं 5 बज रहे हैं शाम का टाइम। तो हम एवरी डे शाम को हम मेक श्योर करते हैं कि फ्रॉस्ट पे एक बार ब्रश करते हैं, ताकि इसके सारे जो लूज बाल है वो निकल जाए और फिर बाद में घर में बाल भी ना फैले। कुछ काम नहीं है तो डॉग को खुजाना एक काम हो सकता है, क्योंकि ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है और इससे बहुत मजा आता है। रोज ब्रश करने के बाद भी ये इतना सारा बाल निकला है इसका, और ये कंप्रेस्ड है। तो इसीलिए डॉग ग्रूमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको रोज ही फ्रॉस्ट में वीडियो फिल्म नहीं करने दे रहा है, मुझे बाहर जाना है। तो
रोज ब्रश करना जरूरी है तो अल्टरनेट डेज पे ब्रश करना जरूरी है। जरा फ्रॉस को दिखा दो क्या कर रहा है। फ्रॉस लैपटॉप तोड़ दिया मेरा। तो चले नीचे चलते शाम के वॉक के लिए। अभी बज रहे हैं घड़ी में 6:10 और हम जाएंगे नीचे फॉर द राउंड 2। जाने के लिए हमें दो चीज की जरूरत है, एक स्टिक की जरूरत है और दूसरा है मास्क। तो एक तीन गिनने पर सब आ जाएंगे मेरे पास। 1, 2, 3 चलिए नीचे चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कोरोना वायरस चल रहा है। तो गाइज आपने देखा मॉर्निंग में मैंने मास्क नहीं लगाया था क्योंकि मॉर्निंग में यहाँ पर कोई होता नहीं है, तो इवनिंग का टाइम है तो प्रोटेक्शन ज़रूरी है कोरोना वायरस। अब हम पहुंच चुके हैं फ्रॉस्ट की पॉटी करने वाली जगह पर। अब ये अपने एरिया डिसाइड करा है कि आज वो किस हिस्से में अपनी पॉटी करने वाला है। तो देख रहे हो कैसे घूम रहा है, कैसे चेक कर रहा है। तो चलिए लगता है उसने डिसाइड कर लिया कहाँ पर करनी है उसे, और ये उसने अपनी डाउनलोडिंग शुरू कर लिया है। फ्रॉस्ट काफ़ी शर्मिला किस्म का डॉग है, तो खुले में शौच करना बिल्कुल ही पसंद नहीं, इसलिए वो हमेशा झाड़ियाँ ढूंढता है जहाँ पर वो अपनी शौचालय की प्रक्रिया कर सके। बट उसे क्या बताऊँ, हम उसे फिल्म कर रहे हैं और हम उसका स्कैंडल भी बना चुके हैं और हम इसे वायरल भी करने वाले। बेचारा फ्रॉस्ट फर्स्ट तो फंस गया। तो वो जैसे कि देख रहे हो आप उसका हो गया है सारा इवनिंग एक्टिविटी। तो हम उसे कुछ देर और घुमाएंगे और फिर हम ले जाएंगे। चलिए गाइज हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, थोड़ा सा नया एरिया है हमारे लिए और ये सारे डॉग्स हमने पहले तो कभी नहीं देखे हैं। तो पता नहीं इसका क्या रिएक्शन होगा, या तो फ्रॉस्ट डरने वाला है या तो फिर ये डरने वाला है। बिकॉज जहाँ तक मैं जानता हूँ फ्रॉस्ट तो आज तक नहीं डरता, सीधा अटैक करता है। तो चलिए देखते क्या रिएक्ट करते हैं डॉग। ओह माय गॉड, ये पहला वाला देखते ही भाग गया और शायद इसको देखकर बाकी सारे भाग रहे। तो चलिए क्लोजअप में देख लेते कितने सारे डॉग से जो अकेले फ्रॉस्ट से डर चुके हैं। माय गॉड, क्या कमाल का व्यू हो रखा है, जस्ट लव इट। जैसे कि आपने देखा फ्रॉस्ट घूम रहा है, उसे खाने का टाइम हो गया है। तो आज हम डिनर में उसे देने वाले हैं चिकन, थोड़ा सा राइस और डॉग फूड, थोड़ा पानी डाली कर। तो हम चिकन देने से पहले हम उसे थोड़ा सा बॉईल कर लेते हैं ताकि जो भी एडिशनल बैक्टीरिया हो। देख रहे हो कैसे कैसे मरा पड़ा जा रहा है खा चिकन के लिए, इसका फेवरेट है जो। तो हम चालू कर लेते हैं, थोड़ा पानी गर्म कर लेंगे ताकि थोड़ा सा चिकन को हम उबाल लें। मिनट हो चुके हैं, खाना ठंडा हो चुका है और फ्रॉस भी रेडी है खाना खाने के लिए। तो चलिए खाना देते हैं फ्रॉस को, ज्यादा वेट ना करा कर। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रॉस्ट ने ऑलमोस्ट खाना खा चुका है और ये जिंदगी में आज तक उसने पूरा बॉल फिनिश नहीं किया। ये प्रसाद हमेशा ये छोड़ ही देता है हमेशा हमें फेंकने के लिए। सो ये उसका है कि इसने खाना खा लिया, अब वो चला गया है पानी पीने और पता नहीं कहाँ क्या क्या करने वाला है, देख रहे हो। तो फ्रेंड्स अब लगभग बज चुके 12 और अब हो गया हमारे सोने का टाइम। तो फ्रॉस्ट तब तक नहीं सोता जब तक मैं ना सो जाऊँ, और ये लगभग मेरे साथ ही हमेशा सोता है, कभी कभी मम्मी पापा के साथ भी सो सकता है। तो अभी हो जाएगा सोने का टाइम, लाइट्स हो गई डीम और अब हम जाने वाले सोने। सो गुड नाइट एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।